और बिहार में अब तक की सबसे भीषण गर्मी पड़ रही है। रविवार को तो राज्य के मौसम इतिहास का सबसे अधिकतम तापमान 40.7 डिग्री सेल्सियस बक्सर में दर्ज किया गया। पटना से मौसम का हाल बता रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। इन दिनों पूरे बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही है और तापमान का आलम यह है कि सुबह से ही आसमान से आग निकलनी शुरू हो जाती है। थोड़ा राजधानी पटना भूकंप के लिहाज से बेहद खतरनाक सिस्मिक जोन 4 में आता है। अगर जोरदार भूकंप का झटका आया तो पटना में कितनी बड़ी तबाही मच सकती है, जिसकी कल्पना करते ही सिहरन हो जाती है। बांस जो है मेरा जो है ना सर, हर देवाल वाल में मेरा बांस का यूज किया हुआ है। पक्की मेरा सिर्फ एक ही वही पिलर है बस। फायदा ऐसे हो सकता है सर कि गर्मी के एक तो ठंड, ऊपर से वजन में हौला, अब भूकंप से बचने का इसमें यह है। राफुल और हम बिल्डिंग का आरसीसी का ही कटिहार में
या बहुत जगह काम किया, आरसीसी का ज़्यादा यूज होता था। और यहाँ पहली बार आप जहाँ वहाँ थे अमेरिका में, तो वहाँ से आप जो सजेशन जो बताते चले, जो आपका हिसाब से जो ऐसा ऐसा हमको बांस का यूज़ ज़्यादा करना है, तो उस हिसाब से हम समझने के लिए हमको बहुत दिक्कत हो रहा था शुरू में। तो उसके बाद हमको जब धीरे धीरे समझने लगे जो बांस में हमको क्या बेनिफिट मिल रहा है, तो जब शुरू में हम बीम वीम सब ढाल दिए आरसीसी का बीम सब फिलर में, उसके बाद धीरे धीरे जब बांस का यूज करने लगे, हमको शुरू में तो काफ़ी डर लग रहा था जब बांस में हमको पूरा सक्सेस नहीं होगा, मगर जब हम काम करने लगे धीरे धीरे, तो हमको नॉलेज में आपको जैसे बताते गए आप, उसके बाद हम धीरे धीरे काम को समझते समझते काम को ऐसा लगने लगा जो काम बहुत मेरा सक्सेस हो रहा है और अच्छा तरीके से काम हो रहा है। तो बांस का अभी हम लोग जो खुट्टा सब पहले हम लोग बीम पे इंगल जाम किए, उसके बाद बांस को क्लिप से कसे, उसके बाद पैनल लगाया, पैनल लगाने के बाद उसमें हम लोग रबड़ लगाने के बाद स्टील जाली मार के बाहर में प्लास्टर कर दिए, और उसके बाद मकान का ठोस भी हुआ। और हम लोग जो सेलिंग में है ऊपर फर्स्ट फ्लोर में, वो सेलिंग में हम लोग छत नहीं दिए हैं, उसके हम लोग जो है बांस और बत्ती का यूज किए, उसके बाद हम लोग नीचे से फॉल सेलिंग किए, मकान का ठोस हुआ, भूकंप विरोधी के लिए बहुत अच्छा हुआ है, जो हमको कभी नहीं लग रहा था, जो कभी हम लोग ये कटिहार में ये सभी जिला में कभी ऐसा काम किए हैं, अभी लग रहा है जो धीरे धीरे मकान को बहुत मतलब ठोस और भूकंप विरोधी के लिए बहुत मजबूत भी है, जो कोई तरह दिक्कत नहीं है, मकान में लोड भी ज़्यादा नहीं है और मजबूती भी काफ़ी है, और फाइनल द्वारा काम हो रहा है, बहुत अच्छा तरीके से काम हो रहा है सर। इसीलिए ये चीज़ काम जो है ना आगे दिन के लिए बहुत अच्छा काम है, हम लोग नया काम हम लोग को सीखने मिला।